हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीडी फार्मा ट्रिक्स। और आज हम पढ़ेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू गैस क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गैस क्रोमेटोग्राफी। आंसर इज द गैस क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक अप्लाइड फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय सिलेक्टिव पार्टीशनिंग बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इनसाइड ए कॉलम फॉलो बाय सिक्वेंशियली इल्यूशन ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। आंसर इज गैस क्रोमेटोग्राफी आर टू टाइप्स। फर्स्ट गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC एंड सेकेंड इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी GSC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जनरल चैप्टर नंबर फॉर GC एज पर USP। आंसर इज 621 क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ GC। आंसर इज द इक्विलिब्रियम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ सैंपल विथ पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू फेज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ GC। आंसर इज देयर आर 5 कंपोनेंट इन GC। फर्स्ट इज गैस चैम्बर, सेकेंड इज इंजेक्शन पोर्ट, थर्ड इज कॉलम कंपार्टमेंट, फोर्थ इज डिटेक्टर एंड 5 इज रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल्ड एज ए गैस क्रोमेटोग्राफी। आंसर इज बिकॉज गैस इज यूज एज ए मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉलम यूज इन GC। आंसर इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलम आर यूज इन GC। फर्स्ट इज कैपिलरी कॉलम एंड सेकेंड इज पैक्ड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द साइज ऑफ पैक्ड एंड कैपिलरी कॉलम इन GC। आंसर इज द पैक्ड कॉलम लेंथ इज 1 to 3 मीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज 2 to 4 mm। सेकेंड कैपिलरी कॉलम लेंथ इज 10 to 100 मीटर एंड इंटरनल डायमीटर इज 0.1 to 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ गैस इज यूज्ड एज ए मोबाइल फेज इन GC। आंसर इज इनर्ट गैस इज यूज्ड एज ए मोबाइल फेज इन GC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेज यूज इन GC। आंसर इज हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज एज ए मोबाइल फेज इन GC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज्ड इन GC कॉलम एज ए स्टेशनरी फेज। आंसर इज सिलिकॉन, ग्रीजर्स और वैक्स इज यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटेक्टर आर यूज इन GC। आंसर इज फर्स्ट फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, सेकेंड थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, थर्ड नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, 5 फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, 6 फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर और 7 मास स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर इन GC। आंसर इज FID, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर इन GC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर डिटेक्ट बाय द FID डिटेक्टर। आंसर इज टू डिटेक्ट ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज टू सेपरेट इन GC। आंसर इज ओनली वॉलेटाइल कंपोनेंट्स आर यूज टू सेपरेट इन GC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is difference between FID and TCD? Answer is FID is flame ionization of organic compounds by burning of compounds in hydrogen air flame, and the TCD is based on difference of thermal conductivity properties between carrier gas and target being detected. Next question is, how many types of water sampler use in GC? Answer is 3 type of water sampler use in GC. First is liquid water sampler, second head space water sampler, third solid phase micro extraction. Next question is, what is split ratio in GC? Answer is the sample split into two parts. Minimum parts goes into column and maximum parts bend out. Example, ratio is 1:5, then one part goes in column and fourth part bend to out. Next question is, which is the best practice, split injection or split less injection? Answer is split injection is best practice because minimum concentration give maximum accuracy. Next question is, why temperature programming is required in GC? Answer is to elute high boiling point molecule fast and easy. Next question is, what type of molecule elute first in GC? Answer is low boiling point molecule elute first in GC. Next question is, if the boiling point is same, which molecule will elute first? Answer is according to molecule size, whichever is small will elute first. Next question is, what are the advantages of GC? Answer is first, small sample quantity required. Second, it has high resolution power. Third, it is non-destructive. And fourth, it is fast and accurate method. Next question is, what are the parameters of GC calibrations? Answer is first, calibration carrier gas flow accuracy. Second, calibration of flame ionization detector by linearity measurement. Third, calibration of injector by linearity measurement. Fourth, calibration of auto injector by linearity measurement. Five, calibration of column oven for the temperature accuracy. Six, calibration of boil temperature accuracy. Thanks for watching.